बहुत पहले से चला रहा है ये, मतलब हम ये श्रद्धा भाव है। ये छठ क्या है कि मतलब पुत्र के लिए लोग रहते हैं, पुत्र क्या पति पुत्र और घर की सुख समृद्धि बनी रहे, ऐसा हमारा विश्वास है कि हाँ हम करते हैं, तुम्हारे परिवार में सुख समृद्धि खुशहाली आती रहती है, इसलिए हमने बहुत मतलब बहुत ही श्रद्धा भाव से ये व्रत करते हैं। बहुत अच्छा व्रत होता है, ये सबको करना चाहिए, सबका मनोकामना इससे पूरा होता है। ये 3 दिन का व्रत होता है। पहले दिन हम लोग लौकी खा के रहते हैं, दूसरे दिन रोसिया और रोटी खा के अपना व्रत तोड़ते हैं, और उस दिन पूरा रात, फिर पूरा दिन, पूरा रात हम लोग ऐसे रहते हैं, और फिर आते हैं छठ मैया का व्रत रखते हैं और गंगा मैया से अपना सब कुछ मांगते हैं कि हे माँ हमें सब कुछ दीजिए, और सूरज महाराज को जल देते हैं। और ये पूरे परिवार के लिए व्रत होता है और सबको रखना चाहिए व्रत। जिसकी कोई कामना ना पूरा उसे मांगना चाहिए और सबको रखना चाहिए। हम लोग तो ये 3 दिन का व्रत होता है। सोमवार को हम लोग को नहाए खाए होता है और मंगल के व्रत रहते हैं और फिर बुध के व्रत रहते हैं, माने 3 दिन का व्रत होता है। और ये सूर्य के उपासना है, हम लोग सूर्य की उपासना करते हैं क्योंकि छठी माई जो थी सूर्य की पुत्री थी और उन्हीं का पूजा होता है। क्या लोग अपेक्षा क्या मांग करते हैं, किस कार कोई भी आप मांगिए उनका पूरा जरूर होता है। आप मांगिए या तो पीढ़ी दर पीढ़ी से हम लोग का चला आ रहा है तो इसीलिए हम लोग करते हैं। हाँ नया, और नया अगर आप उठाना चाहते हैं तो उसके हिसाब से आप जो भी आप मांगिए वो पूरा जरूर होता है। महिलाएं अपने पुत्र के लिए, अपने पति के लिए, उनकी दीर्घायु, उनका खुशहाली हो इसलिए रहते हैं। और ये व्रत मतलब बिहार का सबसे बड़ा व्रत है और इसके जो भी मांगो मिलता है। इसमें 3 दिन से मतलब कल से उपवास रखा गया, अब कल मतलब अर्घ देने के बाद तब मतलब कुछ खाएंगे पिएंगे।
शॉर्ट बनना है। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।